मैं आपको सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप सबकी मेहनत हमेशा आशीर्वाद। अब मैं मंच पे कह देता हूँ, अगर अब भी सड़क के लिए तरसते रहे ना, अब भी सड़क के लिए तरसते रहे तो मैं तरसते रह जाओगे। आप तो सड़क का मंत्री अपना है, चारा चरण अपना है। अभी करीब 100 करोड़ रुपए की सड़कें इस टाउन जिले को दी है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि दो प्रकार से काम होते हैं। अभी अजीत जी ने आपको सबको बताया, प्रधान ने बताया था विकास के बारे में बताया। अभी जो नए सरपंच बड़े, सारे सरपंच बड़े उत्साहित है ये एमपी साहब जल्दी करो ना, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, ये मैं कोई दोहराई की बात नहीं, जो पिछले 5 साल का समय बीता है आज से पहले इतिहास पहले कभी भी इतना काम नहीं हुआ। और खास तौर पर सरपंच जो है जिस हिसाब से गांव के अंदर विकास हुआ, जिस हिसाब से हमें छूट दी, पहले 2 साल जब शुरू में हम बने थे, पहले 2 साल में हमारे अंदर में नरेगा के तहत में सबसे एक नंबर का जिला था गांव पूरे प्रदेश के अंदर में। आज से पहले कभी पैसा नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था सरपंच के जो चुनाव आएगा हट हट के जो वोट पड़ेंगे, और आज मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ये रहा है कि अभी आप प्रधान जी गिनवा रहे थे कि एक एक पंचायत के अंदर में 5 करोड़ से लेकर 8-8 करोड़ तक एक एक सरपंच ने काम किया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अभी सारे सरपंच उत्साहित है, पर मैं कहता हूँ कि जोड़ नहीं बैठा, जब सेंट्रल स्टेट का जोड़ नहीं बैठता ना, जब कहीं कहीं बाधा आती है। पर मैं फिर भी आपसे कहता हूँ कि आप लोग अभी इस हिसाब से संसद खत्म होगी 12 अप्रैल को दोबारा सारे विधायकों को, वो अपने विधायक ने सारे सरपंचों को एक बार मीटिंग लेंगे, और सीओ कलेक्टर को ऐसे छूट दिलवाएंगे कि जैसे आपने पिछले टाइम में सरपंचों को छूट दी थी कि नरेगा के तहत में दबा के काम करो, अभी नहीं दे रहे, अभी मशरूम नहीं दे रहे आपको। मैंने अभी 2 बार बात भी कर ली, लेकिन आपको यकीन करो किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे, ताकि पंचायतों का अच्छा काम हो और गांव के अंदर विकास हो, क्योंकि गांव के अंदर पैसा आएगा तभी विकास होता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से पिछली बार का अभी गुणगान हुआ, आप ये मान के चलो 60% पैसा सेंटर देता है, 60% इतना आप सब जान गए, और 40% पैसा स्टेट देता है। आज आपका ये मान के चलो कि आपके सांसद ने 2 मेडिकल कॉलेज लाकर दिए हैं, पहला मेडिकल जो टॉप में आया है, जिसके लिए मैंने पहली बार 100 करोड़ 1 करोड़ रुपए मंजूर करके लाके दे दिया, और उसको कह दिया भाई थोड़ा पैसा डालो और बढ़ाओ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी उपलब्धता है, और जब जिले में मेडिकल कॉलेज आता है तो अनेकों रोजगार खुलते हैं। जो बच्चा जरा सी कोशिश करता है वो भी कहीं कहीं MBBS करता है, मेडिकल कॉलेज तरफ जाता है, तो उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। मेरा आप लोगों का निवेदन है कि जहाँ तक पैसे की बात है, पैसा आज मैं कह सकता हूँ कि जितना पैसा अभी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पंचायतों में भी जो किसी पंचायत में पैसा आया था, 14 विधायक का पैसा आपकी पंचायत नीचे स्टेट ने आधार रोक दिया, आपका पैसा स्टेट ने आधार रोक दिया, नहीं पंचायत में 2 बार मोदी ने पैसा भेजा, न कि स्टेट गवर्नमेंट भेज पाई। और आज मैं कह सकता हूँ कि आप लोग